आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल हाजरा गार्डनिंग टिप्स। आपके सामने जो वीडियो लेकर आया, इस वीडियो में दिखाएगा आप घर में जो बहुत सारी क्रिसेंथेमम प्लांट्स लगाता है, लार्ज क्रिसेंथेमम, उसका कौन कौन वैरायटी अच्छी होता है, उसका फ्लावरिंग कौन कौन वैरायटी का अच्छा होता है, ग्रोइंग ईजी होता है। तो ऐसा 25 बेस्ट वैरायटी आपके सामने हम लेके आया है, उसके लिए आपको दिखाएगा जो कौन कौन वैरायटी फ्लावरिंग के लिए अच्छी होता है। चलिए दोस्तों दिखाता है आप घर में कौन कौन वैरायटी लगाएगा, उसका नर्सरी से जब खरीद के लेने जाएगा कौन कौन वैरायटी आपने सिलेक्ट करेगा, तो वही आपको दिखाता है। चलिए दोस्तों लार्ज क्रिसेंथेमम में जो कैटलॉग होता है, इसमें 100 के आसपास वैरायटी है। इसमें चार कैटेगरी होता है, जैसा इनकर्व होता है, इनकर्विंग होता है, रिफ्लेक्स होता है, स्पाइडर होता है। तो हम मैक्सिमम जो लगाता है इनकर्व इनकर्विंग लगाता है, उसका फ्लावर बॉल हो जाता है, तो बॉल टाइप का फ्लावरिंग देखने में अच्छा लगता है। तो वाइट कलर में से आपको 5 वैरायटी दिखाएगा जिसका फ्लावरिंग अच्छा होता है। हम लार्ज क्रिसेंथेमम को सभी ने स्नोबॉल के नाम से पहचानता है, लेकिन स्नोबॉल एक वैरायटी होता है, जैसा कैटलॉग के शुरू में ही स्नोबॉल नाम है, इसका एक वैरायटी होता है। जैसे देखिए ये स्नोबॉल वैरायटी है, इसका नाम है स्नोबॉल। और वाइट में जो अच्छी होता है, जैसा है डोरिच क्वीन, ये है डोरिच क्वीन, ये है वाइट कॉसाकेंडा, यह है वाइट कुनाकू कैंगिकू, ये है वाइट सीड बॉकेट। और भी वाइट में बहुत सारी वैरायटी है, इसके अंदर आपको जो 5 वैरायटी बोला है, जैसा स्नोबॉल, डोरिच क्वीन, कॉसाकेंडा, वाइट कुनाकू कैंगिकू, वाइट सीड बॉकेट, ये 5 वैरायटी इजी ग्रोइंग। रेड विद ब्रॉन्ज में बहुत सारी वैरायटी होता है, उसमें से आपको 5 जो बेस्ट वैरायटी है वो आपको बोल रहा है। जैसा ये है कोकासुजन, ये इनकर्व में बहुत अच्छी वैरायटी होता है, रेड विद ब्रॉन्ज है। और है ये है एसएल एंड्री रेफर्ड, इसका फ्लावरी बहुत अच्छी होता है, इनकर्व होता है, इनकर्विंग होता है, ये इजी ग्रोइंग होता है। और रेड विद ब्रॉन्ज में होता है ये, इसका नाम है डिग्निटी, ये भी इसका फ्लावरिंग बहुत अच्छी होता है, इजी ग्रोइंग होता है। और है ये डीप रेड है, रेड विन, डीप रेड होता है, बाहर थोड़ा ब्रॉन्ज कलर का होता है, रेड विद ब्रॉन्ज। और ये है ग्लोइडियो, ये डीप रेड होता है। तो जो 5 वैरायटी आपको बोल रहा है, जैसा ये ग्लोइडियो, ये एसएल एंड्री रेफर्ड, ये है डिग्निटी, यह है कोकासुजन, यह है रेड वाइन, ये 5 वैरायटी रेड विद ब्रॉन्ज में बेस्ट होता है। तो आप घर में ये वैरायटी लगा सकता है, इसका फ्लावरिंग भी अच्छा होता है, इजी ग्रोइंग होता है। क्रिसेंथेमम में क्या होगा, और एक कैटेगरी होता है जो स्पाइडर वैरायटी, इसका पेटल्स नीचे की तरफ आ जाता है, पतला पतला पेटल्स होता है। तो उसमें भी 5 अच्छी वैरायटी आपको बोल रहा है जो बेस्ट होता है। जैसा ये है डायमंड जुबली, इसका कलर होता है ब्रॉन्ज कलर होता है, ये बहुत अच्छी स्पाइडर होता है, इसका फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा होता है, ब्रॉन्ज कलर में होता है। और एक है नाइट एंगल, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, ये भी अच्छी तरह होता है स्पाइडर में, अच्छी वैरायटी होता है। और वाइट में, वाइट स्पाइडर में सबसे जो बेस्ट होता है ये है फ्रॉस्टी व्हिस्की, ये वाइट स्पाइडर में बहुत अच्छी होता है। और है ये है वाइन चाइम, ये पिंक होता है स्पाइडर में, ये भी अच्छा होता है। और है येलो में, इसका नाम है येलो रियोनेट, ये भी स्पाइडर है। ये जो 5 वैरायटी आपको बोला है, येलो रियोनेट, ये वाइन चाइम, फर्स्टी व्हिस्की, नाइट एंगल, डायमंड जुबली, ये 5 वैरायटी स्पाइडर में इजीली ग्रोइंग होता है। येलो में सबसे जो बेस्ट वैरायटी होता है कोका सिंकिंग, इसका साइज सबसे बड़ा होता है येलो में, लार्ज क्रिसेंथेमम में ये सबसे अच्छा वैरायटी होता है कोका सिंकिंग। ये है बोलोडियोरा, ये भी अच्छी होता है, इसका फ्लावर की साइज भी अच्छा होता है। और ये है येलो डोरिच क्वीन, लाइट येलो होता है, ये भी अच्छा होता है। और है येलो कॉसाकेंडा, ये भी अच्छा होता है, इजी ग्रोइंग होता है। और ये है हाउस्टोन येलो में, ये भी इसका फ्लावर साइज भी अच्छा होता है, लेकिन ये हाउस्टोन और कोका सिंकिंग ये दो वैरायटी में थोड़ा शुरू में खाना ज़्यादा मिलने से थोड़ा माता बैठ जाता है, इसको हमने बोलते हैं सेमी ऑप्शनेट वैरायटी। तो इसलिए शुरू में इसको थोड़ा खाना कम दीजिएगा,
लेकिन फ्लावरिंग के लिए ये हाउस टोन कोकासिंग की बहुत अच्छी होता है, इसका साइज भी बहुत बढ़िया होता है। ये वाले में जो पांच वेराइटी आपको बताया है, जैसा ये बोलोडियोरा है, ये कोकासिंग है, ये येलो डोरिस क्वीन है, ये हाउस टोन है, येलो कोसागेंडा है, ये पांच वेराइटी बहुत अच्छी होता है। इसके अलावा और भी कुछ वेराइटी होता है, जैसा येलो ग्रेट ओए है, नैन्सी फार्निक्स है, लेडी फ्लान क्रैक है, ये सब इसका भी क्यूकुवेरिया है, इसका भी फ्लावर अच्छा होता है। लेकिन हम शुरू में जो पांच वेराइटी बोला, ये सबसे बेस्ट होता है। पिंक कलर में सबसे जो अच्छी वेराइटी होता है, इसका नाम है कोका निसलैंडी। लार्ज क्रिसैंथेमम में पिंक में सबसे बड़ा साइज फ्लावर होता है, इसका नाम है कोका निसलैंडी। ये इजी ग्रोइंग होता है। और एक है पिंक पैरासल, ये भी इजी ग्रोइंग होता है, इसका भी फ्लावर बहुत अच्छी होता है, इनकर्विंग होता है। और है ये है रॉयल प्रिंस, ये डीप पिंक होता है, इसका भी कलर बहुत अच्छा है, थोड़ा पर्पल टाइप का पिंक है, ये भी अच्छी वैरायटी होता है, इजी ग्रोइंग होता है। और है पिंक कोनाकु कैंगिकू, यह है पिंक कोनाकु कैंगिकू, ये भी पिंक कलर में अच्छी होता है। और होता है पिंक सिल्क ब्रोकेट, इसका भी कलर अच्छा है, ये इजी ग्रोइंग होता है, पिंक कलर में भी एक अच्छी वैरायटी है। तो दोस्तों, जैसा ये पिंक सिल्क ब्रोकेट, ये कोका निसलैंडी, ये कोनाकु कैंगिकू पिंक, ये पिंक पैरासल, ऐसा जो पांच वैरायटी आपको बोला है, ये पिंक कलर में अच्छी होता है। इसके अलावा और भी कुछ पिंक में अच्छा होता है, जैसा टेम्पटेशन होता है, कोका कोगुन, इसका भी लाइट पिंक होता है, ये भी साइज अच्छा होता है, इजी ग्रोइंग होता है। तो जो बेस्ट पांच वैरायटी है वो है कोका निसलैंडी, पिंक पैरासल, पिंक सिल्क ब्रोकेट, पिंक कोनाकु कैंगिकू, रॉयल प्रिंस। दोस्तों, और एक बात बताना चाहता है, जो क्रिसैंथेमम में जो कुछ सेमी ऑफसेट वैरायटी है, जैसा हाउस टोन, कोका सिंकिंग, अल्फ्रेड सिम्पसन, अल्फ्रेड विल्सन, कोसागेंडा, इस टाइप का वैरायटी का शुरू में एकदम खाना कम दीजिएगा। ज़्यादा खाना मिलने से इसका माथा बैठ जाता है, इसमें बाढ़ नहीं आता है। तो शुरू में आप क्रिसैंथेमम जो भी लगाएगा, सब प्लेन मिट्टी में ही लगाएगा, 3 इंची पॉट में या 4 इंची पॉट में। फिर जब थोड़ा पौधा का हाइट 8-10 इंच हो जाएगा, फिर उसको आप खाद वाला मिट्टी में ट्रांसफ़र करेगा, और शुरू में एकदम खाना कम मात्रा में दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएगा क्रिसैंथेमम का सॉइल प्रिपरेशन कैसा करना है, उसका फ्लावरिंग अच्छी तरह कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ले आएगा।